वेलकम टू माय चैनल यंग माइंड मैकेनिकल। यंग माइंड मैकेनिकल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि पाइपिंग में पूछे जाने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो कि इंडिया इंटरव्यू चाहे गल्फ के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लास्ट संडे को Q&A में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, उसका आंसर भी आज डिस्कस करेंगे। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे कुछ जानना चाहते हैं और कुछ क्वेश्चन मुझे आया है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किए हैं, उसका भी आंसर आज हम देंगे। तो लास्ट संडे को मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वह है फ्लैंज का फेस हाइट क्या होता है। एक्चुअली देखिए, जो RF फ्लैंज होता है ना, जो रेस फेस फ्लैंज होता है, उसमें एक फेस का एक हाइट होता है। जैसे कि अप टू 300 क्लास तक जो फ्लैंज का फेस हाइट होता है, जो अप टू 300 क्लास तक जो फ्लैंज का फेस हाइट होता है वो होता है 1.5 mm। और 300 से लेके 2500 क्लास तक जो रेस फेस का जो हाइट होता है ना, वो होता है 6.5 mm तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है पाइपिंग में कितने तरह का ड्राइंग यूज होता है। देखिए, पाइपिंग में मेनली तीन तरह का ड्राइंग होता है। जैसे एक हो गया लेआउट ड्राइंग, जिसको हम लोग PNID बोलते हैं। मतलब उसमें क्या है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें ये दिखेगा एक लाइन व एक इक्विपमेंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, किसके साथ क्या कनेक्शन होता है। ये उसमें कोई डिस्टेंस, कोई मेजरमेंट, कोई डिटेल्स नहीं रहेगा। इसमें ओवरऑल व्यू रहता है। जो GAD होता है वो 2D व्यू रहता है, उसमें सब डिटेल्स रहता है, ओवरऑल व्यू उससे भी पता चलेगा। लेकिन जो लास्ट में जो GAD से जो बनता है वो होता है आइसोमेट्रिक, जो फिटर फैब्रिकेटर और इंजीनियर्स के हाथ में जो कंस्ट्रक्शन के लिए पहुंचता है वो ड्राइंग होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक एंगल में बनता है, 30° एंगल में वो ड्राइंग बनता है। और उसमें क्या होता है ना, ह्यूज लेंथ नहीं, उसमें छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, शीट 1, 2, 3 करके से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या मेटेरियल लग रहा है, क्या लग रहा है, लाइन कैसे जाएगा, इक्विपमेंट कौन सा लग रहा है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, बिल ऑफ मटेरियल, उसमें क्या टेस्ट प्रेशर होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर मेरा डिटेल्स वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है हाइड्रो टेस्ट के बारे में। एक्चुअली हाइड्रो टेस्ट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वो वीडियो मेरा एक सप्ताह के अंदर वो वीडियो आने वाला है हाइड्रो टेस्ट का डिटेल्स में। चलिए अभी ओवरव्यू थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। और इसमें उसने और एक सवाल पूछा है कि हाइड्रो टेस्ट में लगने वाला वाटर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, जो पाइपिंग में या कोई भी इक्विपमेंट में जो कंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंड फेज में क्या होता है, उसका टेस्टिंग का पार्ट आता है। तब उसको हम लोग को क्या है, जो उसका डिजाइन प्रेशर जो होता है ना, उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर में उसको प्रेशराइज करके अंदर एयर से या फिर वाटर से फिल करके 1.5 टाइम्स ज़्यादा, जो उसका डिजाइन प्रेशर है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा पे उसको प्रेशराइज करके एज पर क्वालिटी रिक्वायरमेंट 1 आवर 2 आवर उसको होल्ड करके उसको देखेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, वो उतना प्रेशर झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है। उसी प्रोसेस का नाम है हाइड्रो टेस्ट। जो पानी से जो टेस्ट किया जाता है उसको ही हम लोग हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं, जो एयर से टेस्ट होता है उसको हम लोग न्यूमेटिक टेस्ट बोलते हैं। तो चलिए अब इसमें सपोज एज ए इंजीनियर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप हाइड्रो टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो आपको प्लानिंग तो पहले करना पड़ेगा। मेरा 100 मीटर लेंथ है एक पाइप का, तो उसमें कितना लीटर आपको पानी चाहिए, तो हाइड्रो टेस्ट वाटर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंजीनियर सुपरवाइजर्स लेवल में ये पूछा जाता है, जो कि इंडिया हो चाहे गल्फ का इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि वाटर वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे किया जाए। चलिए अब आ गया मैं
मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, और आपको दिखाता हूँ कि वाटर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेशन किया जाए और एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ मैं, और जो मेरा सपोज जो मैं उदाहरण देने वाला हूँ वो है, सपोज मेरा जो पाइप का साइज है वो है 10 इंच और पाइप का जो लेंथ है वो है 100 मीटर, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है कि 100 मीटर लेंथ है और 10 इंच साइज पाइप है, तो उसमें कितना हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगा हाइड्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पाइप का मेरा 10 इंच का पाइप है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, 10 इंच का पाइप का डायमीटर निकालते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है एरिया निकालना पड़ेगा पहले हमको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ए इंटू एल। तो सबसे पहले हमको डायमीटर निकालना पड़ेगा, तो 10 इंच पाइप का डायमीटर कितना है, 10 इंच इंटू 25.4, देखिए 254 निकल गया, ये इसका डायमीटर निकल गया। अब क्या है, डी स्क्वायर है, तो हमको डी स्क्वायर करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए इसके लिए जो एरो से दिखा रहा हूँ इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद 2 कर देंगे तो ये डी स्क्वायर निकल गया, मतलब स्क्वायर में उसको जैसे 254 इंटू 254 करेंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये mm में निकल रहा है, अब हम किस हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। देखिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो ये मीटर में निकल गया, ठीक है। अब इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, पाई का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू कितना है, देखिए पाई का वैल्यू है 3.142, तो चलिए अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई पर 3.142, ठीक है। तो ये कितना निकल गया देखिए, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर कर दें तो ये आ गया आंसर 50.677 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसको वी इक्वल टू ए एल, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया सपोज मेरा ये निकला, इसके साथ लेंथ को गुण करना है, तो लेंथ कितना है, मल्टीप्लाई कर दिया 100, 100 मीटर मेरा लेंथ था, ठीक है 100 मीटर मेरा लेंथ था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये आंसर मेरा निकल गया 5067। तो हम ये बोल सकते हैं जो इसमें जो पानी का ज़रूरत पड़ेगा वो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जितना है उतना ही इसमें पानी लग गया, क्योंकि हम जो हाइड्रोटेस्ट करेंगे इसको पूरा भर के करेंगे, तो इसका वॉल्यूम जितना है उतना ही हाइड्रोटेस्ट होगा। 5067 लीटर्स पानी का ज़रूरत पड़ेगा, 100 मीटर लंबा लाइन जो कि 10 इंच साइज का अगर पाइप है तो हमको इतना पानी का ज़रूरत पड़ेगा।